मेरे राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरे राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना पावन गिरिस ता महीना ये साल, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरे राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भद्रा कब से कब लग रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनानी है, 11 को या 12 अगस्त को, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, उदया तिथि में राखी बांधे कि नहीं बांधे, मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे कन्फ्यूजन भरे सवाल चल रहे हैं। राखी रात में बांधे या दिन में बांधे, कब बांधना बहुत अधिक शुभ माना जाता है और राखी बांधते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों को मन में दिमाग में ध्यान रखनी है कि हमसे ये गलतियां ना हो, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण भरे सवाल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी तिथि और सभी डेट, मुहूर्त और भद्रा काल का समय और राखी कब बांधनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राखी बांधते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। बहनें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले राखी बांधते समय, ऐसे मैं एक राखी के लिए उपहार के लिए एक वीडियो डाल चुकी हूं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ उसमें विधि विधान बता चुकी हूँ। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि राखी बांधते समय हमें किस बात की सावधानी बरतनी है। तो देखिए, सबसे पहले भाई को ना पूरब और पश्चिम होकर आप लोग राखी बांधिएगा। अगर भाई पश्चिम है तो आप पूरब हो जाइए, भाई अगर पूरब है तो आप पश्चिम हो जाइए, मतलब पूरब पश्चिम ही आपको बैठनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई के सर पे कोई ना कोई रुमाल, कपड़ा, छोटी सी तौलिया जरूर आपको उढ़ा देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ होता है। खाली सर जो है ना, मतलब राखी नहीं बांधते हैं, या तो अपने हाथ पे, अगर मान लीजिए हैंकी रुमाल नहीं है किसी कारणवश, तो हाथ सर पे रख के ही राखी भाइयों को बंधवानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको चंदन और तिलक लगाकर भाई की आरती दिखानी है। आरती दिखाने के बाद मुंह मीठा कराना है, तो मिठाई से कराइए, गुड़ से कराइए, चीनी से कराइए, जो ही आपके घर में अवेलेबल है आप मुंह मीठा करवा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि भाई को राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए, ऐसे तो सभी को मालूम होगी, दाहिने हाथ में। जेंट्स को दाहिना हाथ ही उनका शुभ माना जाता है, तो कभी भी पुरुष को दाहिना हाथ में रक्षा सूत्र हो, राखी हो, ये सब चीज़ें हमें बांधनी चाहिए। और कई लोग हैं ना, जैसे लुम्बा राखी आता है तो भाभी को भी बांधते हैं, तो भाभी को कभी भी बाएँ हाथ में, लड़कियों का जो है ना बायाँ हाथ शुभ होता है, तो बाएँ हाथ में लड़कियों को, मतलब महिलाओं को आपको बांधनी चाहिए। ठीक है, भैया भाभी भी राखी बांधा जाता है, लेकिन आप लोग के घर केवल भाई को बांधा जाता है तो भाई को ही बांधिए। और आप लोग कहे थे कि बुआ नहीं बांधती है, केवल बहनें ही बांधती है, नहीं, बुआ भी भतीजे को राखी बांधती है। आप पता कर लीजिएगा, कहीं आपके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके भतीजे को बहन नहीं है तो बिना राखी का थोड़ी ना रहेगा, बुआ जो है बांध सकती है। ठीक है, भाई दूर है तो सिंदूरा में राखी बांध दीजिएगा, सिंहोरा जिसको बोलते हैं, जिससे शादी होती है, तो उसमें भी बांध देंगे तो आपके भाई को बांधने का आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि भाई को बहनें जो है राखी बांधकर ना उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। तो हर भाई बहन एक दूसरे को, मतलब गिफ्ट दे, उपहार दे, और बहनें जो है राखी बांधे अपने भाई को। लोग ध्यान रखिएगा, अक्षत वगैरह सब भाई को मतलब चढ़ाते हैं, रोली का टीका लगाते हैं और फूल का थोड़ा सा ना छिड़काव कर देते हैं, इस प्रकार से आप लोग राखी बांधिएगा। तो ये हो गई राखी बांधने की विधि। अगली चीज़ क्या है कि आपको बता दूँ, भद्रा काल, भद्रा काल
काल जो है बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। भद्रा काल में किया हुआ किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जो है ना, उसका परिणाम जो है शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा मान्यता है ना कि रावण जो था अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाया था, और एक साल भी उसका नहीं बीता था कि देखिए ही आप लोग को मालूम ही है कि लंका का क्या हाल हुआ और उसका परिणाम रावण के साथ क्या हुआ। तो इसलिए भद्रा काल को बहुत अधिक अशुभ माना जाता है। भद्रा कौन है ये भी थोड़ा सा बता दूं, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देना चाहूँ। भद्रा जो है ना शनि देव की बहन है और उन्हें श्राप मिला है। श्राप कौन दिया है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि भद्रा काल में जो ही मतलब अपना शुभ और मांगलिक कार्य करेंगे उसका परिणाम जो है बिल्कुल शुभ नहीं होता। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बच कर रहें। तो दो कारण भी बता दी, अब चलिए हम जान लेते हैं डेट, मुहूर्त और समय क्या है राखी बांधने का। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दो दिन पूर्णिमा तिथि लग रही है, मतलब पड़ रही है, जैसे कि 11 को भी पूर्णिमा है और 12 को भी है, लेकिन 11 को पूर्णिमा 11 अगस्त को 10:38 से प्रारंभ हो जा रही है। ऐसे मैं स्क्रीन पे देखिए फोटो भी लगा दूंगी, टाइमिंग वगैरह लिख दूंगी, आप लोगों को और भी आराम हो जाएगा, देख सकते हैं अच्छे से, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो 10:38 से पूर्णिमा तिथि जो है हमारी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि 10:38 से प्रारंभ हो रही है, उसके साथ ही जो है भद्रा भी शुरू हो जा रहा है, और पूर्णिमा तो पूरे दिन रहेगा, और भद्रा जो है ना रात को 8:51 तक भद्रा रहेगा, ठीक है। तो इस दौरान हमें राखी नहीं बांधनी है। इस बार बहुत अधिक लोगों के अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है, इसी में कई ऐसे लोग बोल रहे हैं ना कि अभिजीत मुहूर्त है, आयुष्मान मुहूर्त है, मतलब इस प्रकार के अपना अपना अलग अलग छोटे छोटे मुहूर्त लोग बता रहे हैं, जिसमें कि क्या है ना कि थोड़ा सा उसका साया कम है। भद्रा तो पूरा दिन है लेकिन उसका थोड़ा सा साया कम है, उसी में लोग बांधेंगे, 12 बजे है, 3 बजे है, इस प्रकार से लोग करेंगे। लेकिन अगर आपको सही और सटीक समय पर अपने भाई को राखी बांधनी है आशीर्वाद स्वरूप, तो आपको कब बांधनी है वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो 10:38 से लेकर 8:51 तक तो भद्रा ही है, ठीक है। उसके बाद 8:52 से भद्रा जो है बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जा रहा है। तो समाप्त हो जा रहा है तो आपको क्या करनी है कि 8:00 रात्रि को, मतलब 8:00 शाम को, रात को शुरू करना, 8:52 से आप राखी बांधना प्रारंभ कर सकती हैं। देर रात तक भी आप बांध सकती हैं, मतलब 11:30 तक ही बांधिए, 12 बजे मत कीजिए, लेकिन आप लोग बांध सकती हैं। जो बहनें दूर जाएंगे वो भाई के यहाँ रुक जाएं, क्योंकि राखी जो है ना बिना खाए ही भाई को बांधते हैं, उपवास रख के फिर खाते हैं, बांध लेते हैं फिर खाते हैं, ठीक है, भोजन वगैरह करते हैं। तो फल फलाहार अगर आपको श्रद्धा है तो ले सकती हैं, नहीं तो आप खाना भी भोजन भी मतलब कर सकती हैं, खाना खा सकती हैं, आप अपना देख लीजिएगा आपको कैसे बांधनी है। लेकिन 8:52 रात्रि में ही अगर आप बांध रही हैं वही सबसे शुभ और सटीक समय है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है भद्रा की वजह से, तो आप उस समय बांध लीजिएगा, देर रात तक कर सकती हैं। अगले दिन जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है वो भी बता दूं, तो पूर्णिमा तिथि जो है ना समाप्त हो रही है 7:05 पे। तो कई ऐसे लोग हैं ना जैसे उदया तिथि में भी मनाते हैं, जैसे 12 को भी रक्षाबंधन का त्यौहार, किसी कारणवश अगर आप 11 को नहीं कर पाएं तो 12 अगस्त को आपको 7:05 से पहले राखी बांध लेनी है। 7:05 तक ही है, कम है, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो जाएगी तो ऐसे पूर्णिमा बहुत कम है 12 को, तो शुभ संजोग जो है 11 अगस्त को ही पड़ रहा है, ठीक है। अगर भद्रा को आप छोड़ देते हैं और 8:52 से अपना राखी आप बांधना शुरू करते हैं रात को, तो आप देर रात तक अपना राखी आराम से बांध लीजिए। उपवास रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो भोजन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन वही सबसे सही और शुभ समय है। आप लोग का जो कन्फ्यूजन था मैं सोची कि आपको बता दूं, ठीक है। ऐसे बीच में भी लोग बहुत सारे मुहूर्त बता रहे हैं, अमृत योग है, तो आयुष्मान योग है, अभिजीत मुहूर्त है, ऐसे अभिजीत मुहूर्त का देखिए मैं टाइमिंग डाल के रख दी हूँ, आप चाहें तो बांध सकते हैं, बहुत इमरजेंसी हो जाए तब, क्योंकि भद्रा का साया थोड़ा सा कम है, लेकिन हो सके तो रात को ही आप लोग बांधें 8:52 के बाद,
ठीक है, समझ में आ गया, पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, बहुत सारे डाउट भरे आप लोग के सवाल आ रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है, लेकिन यही सबसे सही और सटीक समय है। अगर बाकी आगे आपकी मर्जी है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग इसी समय बांधेंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। तो और अगली चीज़ क्या है कि जितने भाई हैं राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को ना रक्षा करने का वचन देते हैं, उनका ध्यान रखने का वचन देते हैं, और साथ में हर भाई कोशिश करेंगे कि अगर शादीशुदा आपकी बहन है तो मुद्रा, पैसा और बिछुआ जरूर दीजिए। शादीशुदा बहन को बिछुआ देना मायके के तरफ से बहुत अच्छा माना जाता है, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर दीजिए। और कुंवारी बहन है तो आप पैसा, कपड़ा, ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं, लेकिन पैसा ज़रूर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, ज़रूर लड़कियों को दिया जाता है, ठीक है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को इन एडवांस।